कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट थ्री लेके आई हूँ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट थ्री कहने का मतलब है कि हमारे आइसोमर्स का पार्ट थ्री हमें पता है कि आइसोमर्स का मतलब क्या था, द कंपाउंड प्रेजेंटिंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज, दीज आर नोन एज आइसोमर्स। इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू में मैं बता चुकी आइसोमर्स कितने टाइप की होती है, आपकी चार टाइप की थी जिसमें से मैं दो पार्ट आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आइसोमर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। आज हम पार्ट थ्री पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि थर्ड पार्ट में हम ये जानेंगे कि आइसोमर्स का कौन सा आइसोमर्स का कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेट नाम से पता चला, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है हमारा यहाँ, कोऑर्डिनेट का मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड से है। हमें पता है, पहले तो पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं। जैसे कि हमारा कोई फॉर्मूला है CuNH3 का होल 4 CO2, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। हमारे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स को समझने के लिए पहले हमें कोऑर्डिनेट क्लियर होना चाहिए। तो हमारे जो फॉर्मूले में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो मटेरियल होता है, दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और ये हो गया आपका सेंटर मटेरियल एंड दिस इज नोन एज द लिगेंड। सेंटर मटेरियल के बाद का जितना मटेरियल होता है इनको हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। हम पढ़ा है आज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिक। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होता है, देखिए, द कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड इन विच बोथ द कैटायन एनायन स्पीशीज आर कॉम्प्लेक्स आयन विच शो कैटायन एनायन स्पीशीज कॉम्प्लेक्स आयन विच शो कोऑर्डिनेट आइसोमर्स। दिस आइसोमर्स अकर बाय द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड इन बिटवीन द कैटायनिक पार्ट एंड द एनायनिक पार्ट। कोऑर्डिनेट कंपाउंड विच बोथ कैटायन एनायन विच बोथ कैटायन एंड एनायन स्पीशीज ऑफ द कंपाउंड शोन द कोऑर्डिनेट आइसोमर। एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होने के लिए क्या होता है, कहा कि जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट आइसोमर्स डेवलप करते हैं। दिस आइसोमर्स अकर बाय द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट, जिसमें लिगेंड का एक्सचेंज होता है। तो लिगेंड का मतलब ये होगा, लिगेंड का एक्सचेंज विद कैटायनिक और एनायनिक पार्ट। तो हमारा अगर कैटायनिक पार्ट है तो इसके साथ हमारा कोई एनायनिक पार्ट भी होगा, लाइक दैट जैसे हमारा हो गया ZnZnCl4। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ये अपना एक सिंगल कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये एक अपना कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इन विच एक्सचेंज द लिगेंड बिटवीन कैटायन एंड एनायनिक पार्ट। सेंटर मेटल एज यूजुअल इसी पोजीशन पर रहते हैं और ये लिगेंड अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। ये लिगेंड यहाँ आ सकता है, ये लिगेंड यहाँ आने की कंडीशन रख सकता है। ठीक, इन अनदर वर्ड यू कैन डिफाइन द कोऑर्डिनेट आइसोमर्स एज द आइसोमर्स इन विच द कॉम्प्लेक्स एनायन एंड एनायन कैटायन एनायन एंड कॉम्प्लेक्स कैटायन ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड एक्सेज वन ऑफ द मोर लिगेंड। इस तरह के आइसोमर्स में क्या होता है कि आपका एक्सचेंज होता है कोऑर्डिनेट आइसोमर्स द आइसोमर इन विच कॉम्प्लेक्स एनायन एंड एनायन एंड कैटायन लिगेंड शुड बी एक्सचेंज। कॉम्प्लेक्स का एनायन और कैटायन क्या होता है, आपका एक्सचेंज हो जाता है। ठीक, हम इसको एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हमने एक एग्जाम्पल ले रखा, हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, देखिए, जैसे कि CO हमने लिया CONH3 का होल 6 एंड पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रही CrC2O4 का होल 3। ठीक है, C2O4 का होल 3। ठीक, इसमें एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, दूसरा क्या होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट इसमें सेंटर मेटल है, इसमें क्रोमियम सेंटर मेटल है, दोनों के सेंटर मेटल अलग है। बट इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, लिगेंड कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन। लिगेंड अपनी पोजीशन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो लिगेंड एक्सचेंज करेगा, तो लिगेंड एक्सचेंज करने का होगा ये NH3 यहां चले जाएगा और ये C2H4 एक्सचेंज होकर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा। जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल में देखा है, इस एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया है। देखिए, ये हो गया CONH3 का होल 6 CrC2O4, तो C2O4 यहां एक्सचेंज होकर आया, तो हमारे पास क्या हो गया, CoC2O4 का होल 3 और ये हो गया CrNH3 का होल 6। लिगेंड एक्सचेंज हुआ तो इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। इनकी प्रॉपर्टी क्या चेंज हुई, आइसोमर्स का मतलब ही होता है इनकी प्रॉपर्टी चेंज है। इनकी प्रॉपर्टी क्या चेंज हुई, देखिए, सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी चेंज हुई इनका नेम। पहले इसका नाम था हेक्सा एमिनो कोबाल्ट 3 हेक्ट्रिस ऑक्सीडेटो क्रोमियम 3। ठीक है, आईपीसी नेमिंग कैसी होती है, मैं आपको पहले आपको आईपीसी नेमिंग की आपको वीडियो बना रखी है, आपका लेक्चर दे रखा है, आप उस लेक्चर को देखिए, उसके रूल होते हैं। तो यह है हेक्सा एमिन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 क्या है, ट्रिस ऑक्सीडेटो क्रोमियम 3। सबसे पहले तो उनका नेम चेंज हो गया, दूसरी बात इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। अब नेम चेंज हो गया, क्या हो गया, देखिए, अब नेम क्योंकि C2O4 ने अपनी पोजीशन ले ली CO के साथ, तो इसका नेम हो गया ट्रिस ऑक्सीडेटो कोबाल्ट 3 एंड इसका हेक्सामीन क्रोमियम 3। ठीक,
सबसे बड़ी बात इनकी प्रॉपर्टी नेमिंग चेंज हुई, कहा मैंने नेमिंग चेंज हो गया, साथ साथ इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो, प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। क्या प्रॉपर्टी चेंज हुई? प्रॉपर्टी ये चेंज हुई कि पहले वाले में अमोनिया कोबाल्ट सेंटर मेटल जुड़ा हुआ था और आपका ऑक्सीडेटो क्रोमियम सेंटर मेटल जुड़ा हुआ था। इस वाले में ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द लिगेंड क्रोमियम जो आपका C2O4 यानी कि जिसे ऑक्सीडेटो कहते हैं, ऑक्सीडेटो CO यानी कि कोबाल्ट, ऑक्सीडेटो का कोबाल्ट सेंटर मेटल है और अमोनिया का क्रोमियम सेंटर मेटल है। ठीक, तो आप किसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, प्रॉपर्टी क्या चेंज हुई? अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है, ये कलर वगैरह एक्सचेंज वगैरह आपका क्या करेंगे डिफरेंट दिखेंगे इन कम्पेयर टू प्रीवियस। सेम है, अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर लेना चाहे तो हमने एक एग्जाम्पल और लिया है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ द कोऑर्डिनेट आइसोमर्स इज दिस वन। एक दूसरा एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन आइसोमर का, देखिए ZnNH3 का होल फोर CuCl4। ठीक है, इसमें ये आपका ZnNH3 का होल फोर, एक कॉम्प्लेक्स ये है कैटायन कॉम्प्लेक्स और दूसरा हो गया Cu, ये हो गया आपका CuCl4। तो इसमें इसका जो नेमिंग है, इसका नेम है आपका क्या है, फोर है लिगेंड आपका हो गया ट्राई, ये क्या है अमोनियम जिंक। ठीक है, जिंक लिखने के बाद इनका ऑक्सीडेशन नंबर और टेट्रा, ट्राई कर लिया टेट्रा है, ये आपका होगा टेट्रा, ये भी हो गया आपका टेट्रा। चार क्लोरीन है, क्लोरिडो क्यूप्रेट ऑक्सीडेशन का कितना है, इसका तो जीरो है, इसका टू आया, ये टू टू आपका डिवाइड हो गया। ठीक है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, आपको याद है। तो इसमें अब इनका आइसोमर्स बनाना है, पहले बात तो इनका नेम क्या है, पहले वाले का नाम क्या है टेट्रा अमोनियम जिंक सेकंड टेट्रा क्लोरिडो क्यूप्रेट सेकंड। ओके, बट आफ्टर एक्सचेंजिंग द लिगेंड यानी कि कोऑर्डिनेट आइसोमर्स बनाना है, तो इनके लिगेंड एक्सचेंज हो गए, इनके लिगेंड एक्सचेंज हो चुके हैं। लिगेंड एक्सचेंज हुए तो हमें क्या मिला, रिजल्टेंट हमें क्या मिला, यहाँ देखिए मैंने इधर को लिख दिया है। और कॉपर के साथ क्या जुड़ गया आपका, जेडन के साथ सीएल फोर और कॉपर के साथ आपका जुड़ गया एनएच थ्री का होल फोर। अब इनके नेमिंग चेंज हो गई है, देखिए आपकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, नेमिंग भी चेंज हो गई। प्रॉपर्टी क्या चेंज हो गई कि पहले वाले में जिंक एक सेंटर मेटल था, किसके रिस्पेक्ट में, लिगेंड अमोनिया के रिस्पेक्ट में, और कॉपर सेंटर मेटल था क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ क्लोरीन के रिस्पेक्ट में जो सेंटर मेटल है वो क्या हो गया, जिंक, जिसका नाम है आपका टेट्रा क्लोरिडो जिंक, क्योंकि सेंटर मेटल के सराउंडिंग में नेगेटिव लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा, तो इसको अभी जिंक नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, जिंक एड। ये हो जाएगा टेट्रा अमोनियम कॉपर, अब क्यूप्रेट नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये सेंटर मेटल के सराउंडिंग में नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल लिगेंड है कॉपर और आपका सेकंड। तो सबसे पहले बात इसका नेम चेंज हो चुका है, देखिए नेम पूरा चेंज हो गया, वो जिंक था जिंकेट हो गया, वो क्यूप्रेट था वो कॉपर हो गया, और लिगेंड की पोजीशन भी चेंज हो गई है, इसमें क्लोरीन जिंक से जुड़ा है और अमोनियम आपका किसके साथ जुड़ा है, कॉपर के साथ जुड़ा है, और साथ साथ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि कलर टेक्सचर और की अदर प्रॉपर्टीज भी क्या में भी क्या हो रहा है, वेरिएशन शो हो रहा है। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी में वेरिएशन शो होता है किसके कारण, ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। तो इस तरह की आइसोमर्स हमारी कौन से आइसोमर्स के नाम से जानी जाती है, कोऑर्डिनेट आइसोमर्स। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि कोऑर्डिनेट आइसोमर्स की जो अगर पहचान है तो आपको साफ दिख जाएगा कि जो डबल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, जितने भी डबल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें कोऑर्डिनेट आइसोमर दिख रहे हैं। दिख रहा है आपको डबल कॉम्प्लेक्स, देखिए एक कॉम्प्लेक्स ये है आपका, ये आपका दिख रहा है और ये डबल होता है, इनमें बस इनकी पोजिशन को चेंज कर देना है ये कौन सा आइसोमर्स होगा कोऑर्डिनेट। इसी तरह से एक एग्जाम्पल मैंने एक और ले रखा है ये वाला, अगर इसको देखे इसका जो बनेगा आइसोमर्स बनेगा तो सी तो अपनी पोजिशन पर रहेगा, ठीक है, लिगेंड अपनी पोजिशन चेंज कर देगा तो ये हो जाएगा आपका सी यू अपनी पोजिशन पर रह रहा है, ठीक है, लिगेंड बस चेंज होता है सी यू हो गया और इसके साथ आपका जुड़ा है सी एल फोर, और ये जिंक अपनी पोजिशन पर रह रहा है, इसके साथ आपका हो गया आपका एक्सचेंज होता है, अपनी पोजिशन चेंज कर दे रहा है और कौन सा आइसोमर्स बना रहा है, कोऑर्डिनेट आइसोमर्स प्रोड्यूस कर रहा है।
तो इस तरह से कोऑर्डिनेट आइसोमर्स के मतलब क्या है, दिख रहा है आपको, ये डबल कॉम्प्लेक्स वाला है। जैसे ही आपने देखा क्वेश्चन में ऐसा है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है कि बस टाइप ऑफ आइसोमर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स, तो डबल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स वाली देखते ही पहचान दीजिए कि इसमें कौन सी आइसोमर है, कोऑर्डिनेट आइसोमर्स प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट आइसोमर्स को एक्सप्लेन करते हैं जिसमें डबल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके लिगेंड के एक्सपोजिशन का एक्सचेंज कर देते हैं जिससे उनके नेमिंग और फिजिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन आता है और उसके आइसोमर्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये थर्ड पार्ट था जिसमें आपने क्या पढ़ा कि कोऑर्डिनेट आइसोमर्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं और किस तरह से हम कोऑर्डिनेट आइसोमर्स बना सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।